यमुनानगर के फर्कपुरा में एक माँ अपनी ही पांच बेटियों की सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, क्योंकि बेटी पैदा करने की सजा तो उसे मिल ही रही है, लेकिन कलियोगी पिता इन बेटियों को कभी आग में जलाने की कोशिश करता है तो कभी जहर देकर मारने की। फिलहाल चाइल्ड हेल्प लाइन के दखल के बाद अब पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। दिक्कत यही है जी, बस इनको इनका पापा अपना नहीं चाहते, इनकी दादी नहीं अपनाना चाहती। मैंने तो अपना रखा इनको, मैं कहाँ से इनके लिए लड़के लेके आऊँ। 3 साल अभी रहकर आई, 3 साल मैं अपनी मम्मी डैडी के घर रह के आई। तो जी अब क्या नाम लेकर, मैं यहाँ 27 तारीख को फैसला हुआ था मेरे सितम्बर में, तो फिर मैं लेके आया, अपनी गलती मान ली उन्होंने, 2-3 दिन ठीक रहे, फिर वही मेरे बच्चों को सल्फ्लास की गोली देनी, आग लगाना, झुलसाना इनको, मेरे को भी गला घोट के मारना, मेरे बाल फाड़ना, मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी है, सब कुछ है, सब प्रूफ है। परिवार का मामला आया है जिसमें एक माँ ने और अपनी 5 बच्चियों के साथ अपने पति पे मामला दर्ज करवाया है। हम यहाँ पर आए हैं, परिवार से मिले हैं, बातचीत की है, बच्चों से भी बात की, माँ से भी बात की है, और बच्चों का जो फादर है वो फरार है। पिता पे मार पिटाई का आरोप और जलाने का आरोप है, और पत्नी पे शराब पी के मार पिटाई करता था और बच्चों को मारता था और जान से मारने का भी कोशिश की। जहर वगैरह देने का, हाँ, जहर वगैरह के लिए भी माँ ने बताया कि खाने में जहर मिला के या ज़बरदस्ती उनके मुंह में कोई जहरीली चीज़ देने की कोशिश की है। फ्रेश मामला ऐसा है जो अभी कह रहे कि मेरे बच्चों को जलाने की कोशिश करी है, जहर देने की कोशिश करी है, तो उसकी हमने कब प्रेस कंप्लेंट ले ली है और उसके अनुसार जो भी है कार्रवाई हम करेंगे इसमें आज ही। इन खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।